हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। ठीक है, आर्टिकल्स मैंने आपको बोले थे मैं पूरे 396 आर्टिकल्स कराऊंगा, बट आपको मैं 396 आर्टिकल्स नहीं कराऊंगा। उसका रीजन ये है क्योंकि 396 आर्टिकल्स करके कुछ मतलब नहीं है। ठीक है, आप जो भी मेरे वीडियो देखते हैं मुझे पता है कि वो सबके सब एंट्रेंस एग्जाम वाले हैं, या 12th में या 11th में है या 11th आर्ट्स में है। तो वो पूरी की पूरी 396 आर्टिकल्स करके हमको कोई वहां पे दिखाना नहीं है कहीं पे जाके कि आप उनको पूछे कोई भी आर्टिकल्स को याद रहेगा, यूजलेस रहेगा, कुछ मतलब ही नहीं है उसका, मीनिंगलेस है वो। ठीक है कि वहां पे तो आपको आ जाएगा तो आपको क्या अवार्ड मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। तो 396 आर्टिकल्स करके कुछ ही मतलब नहीं, आप खुद भी मत करिए और मैं खुद भी नहीं कराऊंगा। मैं इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ही कराने वाला हूँ जो की एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और जो की हम डेली लाइफ में देखते भी है। ठीक है, डेली लाइफ में जो आर्टिकल्स हम देखते हैं जो यूज होते हैं वही आर्टिकल्स हमको याद करने की जरूरत है। और अगर आप 396 आर्टिकल्स याद भी कर लेते हैं तो हर टाइम उसको रिवाइज करो। ठीक है, वन वीक में एक वीक में एक बार, फिर मंथली में भी एक बार रिवीजन करो। तो उससे क्या होगा, आप भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहेंगे और फिर और भी सारी चीजें आपको याद करनी रहती है तो वहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो वही आर्टिकल्स करें जो की स्टडी करते समय हमको यूज होते हैं और जो की नॉर्मल लाइफ में हमको पता होने चाहिए। बस उतने ही कर लिए आप बहुत ज्यादा कर लोगे। ठीक है, बात रही कंट्री एंड करेंसी की तो वो तो जरूरी है। ठीक है, वो अगर आप पूरे कंट्री की अगर पूरे कंट्री की करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, लगभग मैंने भी करा ही दिया 1780 तक, बाकी आप भी कर सकते हैं और मैं खुद भी कराऊंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो मैंने टोटल आपको 40 करा दिए थे, आज मैं 41 से लेके 55 तक सिर्फ 15 कराऊंगा। ठीक है, इसके बाद मुझे और लगेगा तो मैं लगभग 100 तक टच करूंगा। ठीक है, 100 आर्टिकल्स में आप लोग करा दूंगा जो की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे, बाकी आप देखिए। ठीक है, चलिए। तो 41 पे क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता लोग नाइफ लेके जाते हैं। ऐसा इमेजिन करिए कि जब संविधान के प्रारंभ होता है, संविधान का जब प्रारंभ होता है, आर्टिकल्स नहीं समझा रहा हूं मैं यहाँ पे आपको याद कैसे करना वो। ठीक है, आर्टिकल्स पे भी मैं बात करूंगा। मैंने आपको बोले थे मैं टोटल कितने 396 आर्टिकल्स, हर एक आर्टिकल्स पे एक वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, उसके लिए वेट करिए, वो भी हो जाएगा। संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता लोग क्या लेके आते हैं, नाइफ लेके आते हैं। क्या लेके आते हैं, नाइफ। ठीक है, तो अभी कैसे याद हुआ कि संविधान की प्रारंभ पर नागरिकता किस पे है, फाइव पे है, नाइफ फाइव। मैंने आपको बताया था फाइव को कैसे याद करना है, फाइव नाइफ। ठीक है, उसी तरह से फाइव नाइफ। नेक्स्ट, नागरिकता के अधिकारों पर, नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखने का काम कौन करता है, हेन करती है। हेन का मतलब टेन, ये क्या हो गया फाइव, ये क्या हो गया टेन, ये मैंने आपको बताया था हेन टेन। ठीक है, फाइव नाइफ। तो संविधान का प्रारंभ पर नागरिकता नाइफ, नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखने का काम कौन करता है, मुर्गी करती है, हेन। ऐसे इमेजिन करिए कि हेन टेन। ठीक है, कौन करता है, हेन करती है। नागरिकता के अधिकारों, जो नागरिक का अधिकार होता है कौन बनाए रखता है, हेन। तो हेन को अगर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, टेन, ये मैंने आपको बताया। ठीक है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय। ठीक है, देखिए ध्यान से लाइन को पढ़िए और उस लाइन को करेक्ट करने की कोशिश करिए। देखो इमेजिन करिए, ऐसे में बोल दो नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखने का काम हेन, तो आप वैसे सुन लेंगे नागरिकता के अधिकारों को बनाए रखने का काम हेन, हेन मतलब टेन, ये कौन सी बात हुई। ठीक है, तो आप उसको इमेजिन करिए, इमेजिन जितना ज्यादा इमेजिन करेंगे उतना ज्यादा चीजें अच्छी रहेंगी, विजुअलाइज करिए। संसद द्वारा, संसद जो होते हैं हमारे, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार, संसद द्वारा जो हमारे नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनिमय। ठीक है, विधि द्वारा विनिमय करते हैं उसको, हाँ सॉरी, वो हमारा आर्टिकल है। ठीक है, अब हमको याद कैसे करना है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनिमय कौन कराता है, टाटा वाले कराते हैं। टाटा कंपनी को आप जानते हो, तो कौन कराता है, टाटा कंपनी वाले। इनको ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, 11, मतलब ये कौन सा आर्टिकल्स नंबर है, 11 आर्टिकल्स नंबर है। नेक्स्ट, धर्म मूल वंश। ठीक है, धर्म मूल वंश, जाति लिंग या जन्मस्थान, जन्मस्थान विभेद। आर्टिकल 15 मूवी आप लोगों ने देखी होगी। ठीक है, आर्टिकल 15 मूवी आपने देखी होगी, ये आर्टिकल नंबर 15 ही है। ठीक है, धर्म मूल वंश जाति, जो कि धर्म मूल वंश जाति लिंग जन्म स्थान के आधार पर लोगों को क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेट करते हैं। ठीक है, उनका विभेद करते हैं, तो इसलिए हम इनको क्या बोलेंगे, आर्टिकल नंबर 15। अब देखिए याद कैसे करना है, तो आर्टिकल 15 जिसने मूवी देखा होगा उसको याद करने की जरूरत भी नहीं। तो धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान विभेद नहीं करेंगे, कब, जब आप तेल लगाओगे। ठीक है, ऐसा इमेजिन करिए, क्योंकि जितना ज्यादा कॉमेडी बना सकते हो उतना ज्यादा बनाइए, चीजें फटाफट याद रहेंगी। ठीक है, तो अब जब सर में आप तेल लगाएंगे तब आपको कोई भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, कोई भी आपको विभेद नहीं करेगा। ठीक है, तो धर्म मूल वंश जाति लिंग या जन्म स्थान पे विभेद नहीं करेगा, कब, जब आप तेल लगाएंगे। तेल को क्या देगा, 15। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। ठीक है, प्रतिशोध। ठीक है,
कारखानों आदि में बालकों को नियोजन, ठीक है, बालकों के नियोजन प्रतिशोध कब नहीं करेंगे प्रतिशत, जब हम नारा लगाएंगे, क्या लगाएंगे, नारा, जब हम नारा लगाएंगे तभी ये काम रुकेगा, कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध ये कब रुकेगा, जब हम नारा लगाएंगे तब ये रुकने वाला है, ठीक है, इस तरह से याद करना है। नेक्स्ट, धार्मिक कार्यों, धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता नाग करता है, कौन करता है, नाग करता है, नाग को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा यहाँ पे 2, 6, ठीक है, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 26 पे है, धार्मिक कार्यों का प्रबंधन की स्वतंत्रता, जो हमारा धार्मिक कार्य है उसकी प्रबंधों का स्वतंत्रता कौन कराता है, नाग देवता कराते हैं, तो नाग का ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 2 और 6। नेक्स्ट, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, तो संपत्ति का अनिवार्य अर्जन कौन करता है, मोटा व्यक्ति करता है, कौन करता है, मोटा व्यक्ति करता है, तो मोटा को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 3, 1, ठीक है, 31, तो 31 पे क्या है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, ठीक है, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन तो किसमें है, मोटा, सोचिए इसमें मोटा व्यक्ति करता है, ये काम कौन करता है, मोटा व्यक्ति करता है, तो मोटा को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 31। नेक्स्ट, संघ की कार्यपालिका, ठीक है, एक मिनट थोड़ा लाइट कर देते हैं ताकि दिखे आपको ये, ठीक है, यहाँ पे देखिए संघ की कार्यपालिका शक्ति, ठीक है, संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो अब यहाँ पे क्या है, लैंप के पास है, इसको याद कैसे करके देखिए, संघ की कार्यपालिका शक्ति, तो जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है, जो हमारे यूनियन की कार्यपालिका, जो एग्जीक्यूटिव है कार्यपालिका, उसकी जो शक्ति है वो किसके पास है, लैंप के पास है, लैंप व्यक्ति के पास है, जो कि लंगड़ा है, ठीक है, तो उसको लैंप व्यक्ति बोलते हैं, ऐसा देखिए कोई भी बात मैं यहाँ पे बोलता हूँ तो आप उसको मतलब ऐसा सीरियसली मत लो, क्योंकि यहाँ पे तो मजाक ही चल रहा है, क्योंकि जितना ज्यादा चीजें कॉमेडी होंगी उतना ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी, ठीक है, तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किसके पास है, लेम व्यक्ति के पास है, जो कि लंगड़ा है, तो लेम को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 53। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा महाभियोजन चलाने की प्रक्रिया, जो राष्ट्रपति होते हैं उनको हम हटा भी सकते हैं, तो उसी को बोलते हैं महाभियोग की प्रक्रिया, तो महाभियोग मतलब इंपीचमेंट की प्रोसेस होती है, इंपीचमेंट प्रोसेस का मतलब उनको वहां से हटा दे, ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाने की प्रक्रिया, तो जो महाभियोग चलाने की प्रक्रिया होती है वो कहाँ चल रही है, जेट में चल रही है, जेट को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 61, तो राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग योग चलाने की प्रक्रिया कहाँ पे हो रही है, जेट में हो रही है, ठीक है, जेट में हो रही है, तो जेट को ब्रेक करेंगे तो 61, तो राष्ट्रपति द्वारा महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ हो रही है, जेट में हो रही है। नेक्स्ट, भारत का उपराष्ट्रपति जैम खा रहा है, जैम खा रहा है, क्या खा रहा है, जैम, जैम को ब्रेक करके तो 63, आर्टिकल नंबर 63 पे क्या दिया हुआ है, भारत का उपराष्ट्रपति, क्या दिया हुआ है, भारत का उपराष्ट्रपति, तो भारत का उपराष्ट्रपति जैम खा रहा है, क्या खा रहा है, जैम खा रहा है, तो इस तरह से हमको ये याद करना है, भारत का उपराष्ट्रपति क्या खा रहा है, जैम खा रहा है 63, ठीक है, तो इस तरह से चीजें हमको करनी है, ठीक है, भारत का उपराष्ट्रपति क्या खा रहा है, जैम, तो कौन सा आर्टिकल हुआ 63। नेक्स्ट, 51, राज्यसभा की संरचना करने वाले को फांसी दे दी जाती है, तो राज्यसभा की संरचना, अब यहाँ पे देख रहे हैं राज्यसभा की जो भी संरचना करते हैं, हमारे राज्यसभा की जो संरचना करते हैं, ऐसे इमेजिन करिए कि जो भी हमारे राज्यसभा की संरचना करते हैं उनको हम क्या दे देते हैं, फांसी दे देते हैं, तो फांसी को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा 80, 18, ठीक है 80, तो हमको क्या दे देते हैं, फांसी दे देते हैं, तो हमारे राज्यसभा की संरचना करने वालों को हमने फांसी दे दिया, तो क्या हो गया 80, फांसी दे दी। नेक्स्ट, 6 से 14, ठीक है, 6 से 14 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों को निशुल्क शिक्षा प्रावधान, 6 से 14 से कम आयु वाले बच्चों को हम क्या करते हैं, फ्री में शिक्षा प्रोवाइड कराते हैं, ऐसा हमारे गवर्नमेंट की स्कीम है, ठीक है, आर्टिकल्स नंबर भी है, तो 6 से 14 वर्ष से जितने भी कम आयु वाले बच्चे हैं उनको शिक्षा फ्री में प्रोवाइड की जाती है, ये प्रावधान कौन से आर्टिकल में, तो कौन से आर्टिकल में, 45, इसको कैसे याद करेंगे, देखिए 45, ठीक है, रेल में, रेल, अब देखिए कैसे, 6 से 14 वर्ष के कम आयु वाले बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रेल से कर रहे हैं, रेल से, रेल पे, ट्रेन में बैठ के सब जगह चेक कर रहे हैं कि कहीं 6 से 14 साल का बच्चा कोई घूम तो नहीं रहा, पढ़ाई लिखाई कर तो नहीं रहा, मतलब कहीं कहीं उसको काम भी पे तो नहीं लगा दिया गया, इस तरह से, ठीक है, तो उसको किससे चेक किया जा रहा है, रेल से, तो रेल को ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, रेलवे 45 है, ये आप सबको पता है, ठीक है, ये मैंने जो 100 नंबर्स याद करने की ट्रिक उसमें बताई थी, उसमें अगर आपने वीडियो देखा होगा तो सिंपल है, ठीक है, वो मैं वही वर्ड यूज करता हूँ हमेशा, रेल हो गए, फ्यूज हो गया, यहाँ पे फ्यूज यूज था, बस खाली मैंने इसको फांसी पे चेंज कर दिया, क्योंकि फ्यूज से कुछ वर्ड ही नहीं बनता था, ठीक है, जैम भी वही है हमारा, जैम, मोटा, नाग, टाटा, तेल, बिरला, सब वही है, ठीक है,
तो उसी तरह से मैं चीजें यूज कर रहा हूँ। लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को, देखिए यहाँ पे लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को बॉम्ब से उड़ा देना चाहिए। किसे उड़ा देना चाहिए? बॉम्ब से। ऐसा सही में मत उड़ा दीजिए, हमको याद करना है, बॉम्ब से उड़ा दीजिए तो क्या हो जाएगा? 93। ठीक है, तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, जो हमारे लोकसभा का अध्यक्ष होता है और उसका उपाध्यक्ष जो होते हैं, उनको क्या करना है? हमको बॉम्ब से उड़ा देना। ठीक है, बॉम्ब से उड़ा देना। तो बॉम्ब को करेंगे तो फिर ब्रेक करेंगे तो क्या होगा? 93। कर्मचारी के लिए निर्वाह, कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था राम भगवान कर रहे हैं। कौन कर रहा है? राम भगवान कर रहे हैं। ठीक है, राम भगवान कर रहे हैं किसको? कर्मचारी के लिए निर्वाह मजदूरी, जो हमारे कर्मचारी होते हैं उनके लिए निर्वाह मजदूरी आदि की व्यवस्था कौन करवाता है? राम भगवान करवाते हैं। तो ऐसे इमेजिन करिए कि राम भगवान उनको सारी की सारी व्यवस्थाएं करा के दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट, कठिनाइयों को पूरे करने के लिए राष्ट्रपति के शासन की शक्ति की मैप ने बताया। सेंटेंस लंबा है थोड़ा सा, देखिए, कठिनाइयों को पूरा करने की राष्ट्रपति के शासन की शक्ति, डिवाइड कर दीजिए इसको दो पार्ट में, कठिनाइयों को पूरा करने की राष्ट्रपति की शासन की शक्ति की मैप ने बताया। ठीक है, मैप ने बताया, नहीं समझा कि उनको शक्तियों को कैसे करना है, उनकी कठिनाइयों को सॉल्व करने के लिए किसने बताया? मैप ने बताया, इस तरह से। ठीक है, तो एक काम करिए, ये मुझे आप बताइए। ठीक है, चलिए ये आप मुझे बताएंगे, अगर मैप मैप को ब्रेक करिए तो क्या होगा? 392। ठीक है, मैप ने, तो एम मैप ने, तो 392 का आर्टिकल नंबर है, मुझे आप बताएंगे इसको कोडिंग करके। ठीक है, कठिनाइयों को पूरा करने के लिए राष्ट्रपति की शक्ति का, शासन की शक्ति का कैसा यूज किया जा रहा है, तो आप मुझे इसका बताएंगे, नीचे कमेंट करेंगे जरूर। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कमेंट करिए, गलत ही कीजिए बट आप मुझे करिए कमेंट। ठीक है, यहाँ पे 3 पे एम होता है, यहाँ पे पी होता है, बी भी होता है और एन होता है, इसमें कोई भी गड़बड़ आ जाए। ठीक है, जो आपको जैसा अच्छा लगे वैसे आप गोल बना के मुझे कमेंट करिए। तो ये टोटल होगा 55। अब इसके बाद जो मैंने सोचा हुआ है, ठीक है, इसके बाद जो मैंने सोचा हुआ है, ये सोचा है कि अब इसके बाद में आर्टिकल्स बताऊंगा। ठीक है, आर्टिकल्स कौन कौन से, 1 पे 2 पे 3 पे 4 पे 5 पे 6 पे क्या है, ऐसे कर करके पूरे आर्टिकल्स में बताने वाला हूँ। ठीक है, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल्स है टोटल बताने वाला हूँ। इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा होगा, अगर आप लॉ के स्टूडेंट है या फिर आपको एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो उस आर्टिकल्स के बारे में आपको अच्छे से पता होगा। और आप क्या कर पाएंगे कि उसी समय उस आर्टिकल्स को, अगर मैं एक एक आर्टिकल्स बताऊंगा तो आप एक आर्टिकल देखेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेंगे तो उसी समय याद हो जाएगा। ठीक है, ये भी एक बेटर टेक्निक है। और उसी आर्टिकल्स में उसी टेक्निक के बारे में बात भी करूंगा, ये टेक्निक के बारे में बात करूंगा, उसके आगे उसको समझना कैसे, उसको याद कैसे करना है। ठीक है, तो अगर ये आप लोग को अच्छा लगता है, ये जो चीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, तो आप कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट करिए कि ये जो चीज मैं स्टार्ट करने वाला हूँ, ये जो प्रोसेस में लगाने वाला आर्टिकल्स के, अगर आपको भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, क्योंकि अगर ये यूजफुल नहीं होगा तो पूरा का पूरा मेहनत मेरा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो यूजफुल होना चाहिए, इसलिए आप मुझे कमेंट करिए। और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे। इससे दो चीज होगी, पहले मैं एक बोलता था, आज मैं दो बोलूंगा, दो होंगी। पहले तो ये होगा कि मुझे पता चलेगा कितने लोग मुझसे कनेक्ट हो चुके हैं, दूसरी ये चीज होगी कि आप तक वीडियो सबसे पहले पहुंचेगी, अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लग रही है तो। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, ख्याल रखिए।